गोंडा में मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी यूपी के गोंडा जिले के नगर कोतवाली के अंतर्गत श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अनेकों जगह श्री कृष्ण जन्माष्टमी और उनकी झांकियां दिखाई दी, जिसमें से प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना रहा गोंडा का पुलिस लाइन, जहां अनोखे रूप से श्री कृष्ण झांकियां दिखाई गई। साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रम रखा गया। सभी ने कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सफलतापूर्वक मनाया। गोंडा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर विश्व कल्याण की कामना की एवं गोंडा के कई स्थानों पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की झांकियां दिखाई दी, जिसमें से नूरामल मंदिर, श्याम मंदिर, मां मनसा देवी मंदिर, शिव मंदिर इत्यादि अनेकों मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की झांकियां दिखाई दी, जिसमें से कुछ मंदिरों के सहयोगी जैसे राहुल श्रीवास्तव, गोलू श्रीवास्तव एवं अन्य सहयोगी मौजूद रहे। देखिए कृष्णा कन्हैया शर्मा की रिपोर्ट। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ अनेकों श्रद्धालु इस पुलिस लाइन में कृष्ण भगवान की झांकियों का दर्शन करने आए हैं। हमारे पीछे देखिए पुलिस के जवान, जो कि ये पीएससी लाइन है, पुलिस लाइन है, कई लोग यहाँ आते रहते हैं और इस झांकी का लुत्फ उठाते रहते हैं। झांकियों के बारे में हम बात कर रहे थे, आइए को दिखाते हैं वो झांकी। बहुत ही मनमोहक दृश्य है, आप देखिए हमारे पीछे, कैमरामैन दिखाइए कि कितनी अच्छी झांकी है। एक एक चीज को बहुत बारीकी से बताया गया है यहाँ पर। मूर्तियों का आकलन, कृष्ण जी की मूर्ति, उनका रहना, जीवन की लीला इसमें दिखाई गई है। मंदिर से लेकर हर छोटी चीज का ध्यान रखा गया है यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ के सारे कार्यकर्ताओं ने इसको तैयार किया है। पुलिस लाइन में काफ़ी अधिक मात्रा में लोग यहाँ देखने आते हैं और काफ़ी यहाँ प्यार और सम्मान मिलता है यहाँ पर लोगों को। और देखिए बहुत ही सुंदर ढंग से छोटी छोटी मूर्तियाँ अपने व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर हैं। रंगोली के माध्यम से यहाँ कई चीज़ें सजाई गई हैं, पत्थर का रूप दिया गया है कई चीज़ों को। पूरी मंदिर को एकदम भगवानमय रूपी रंग से रंग दिया गया है, मानिए तो। मंदिर से सटा हुआ भाग है, यहाँ शिव भगवान का एक प्रतिमा, शिवलिंग की प्रतिमा एक रखी गई है, जहाँ डेली लोग प्रतिमा करते हैं और यहाँ हम शिव भगवान का दर्शन करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर के दूसरी तरफ पे बहुत ही अच्छा व्यवस्था कर सकते हैं, गायन का कार्य रखा गया है और अधिक मात्रा में यहाँ जितने भी यहाँ कह सकते हैं, मंडली कह सकते हैं, जो कृष्ण में भक्ति में रंगी हुई है, अभी यहाँ सुनाएंगे एक बहुत ही सुंदर भजन जो आपके सामने Oh,
वहाँ कम से कम 15 दिन लगा है बनाने में। हाँ, कौन सा जगह है? अरे क्या